हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेंस का नेक्स्ट पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज स्टार्ट होगा, बट टेंस का हम लोग बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में कुछ क्लास कर चुके हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज प्लेलिस्ट बन गया है, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। ओके जी, चलिए तो आज हम लोग क्या बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नाम सुनने से पता चल रहा है द वर्क और एक्शन फिनिश इन द पास्ट एंड इम्पैक्ट सस्टेंस ऑन प्रेजेंट। जो वर्क और एक्शन जो है वो प्रेजेंट में समाप्त हो चुका है, मतलब पास्ट में ही समाप्त हो चुका है, और अभी भी उस वर्क का, उस काम का प्रभाव वर्तमान पे है, है ना। उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे देखिए यहाँ पे दो लिखा हुआ है, इम्पैक्ट सस्टेंस ऑन प्रेजेंट और एक होता है इम्पैक्ट विड्रो ऑन प्रेजेंट। मतलब काम का प्रभाव वर्तमान पे पड़ रहा है और काम का प्रभाव वर्तमान में छोड़ रहा है। यदि काम का प्रभाव वर्तमान पे पड़ता है तो कहेंगे इम्पैक्ट सस्टेंस ऑन प्रेजेंट, और यदि काम का प्रभाव वर्तमान में नहीं पड़ रहा है तो कहेंगे इम्पैक्ट विड्रो ऑन प्रेजेंट। ओके, जरा इसको फोटो के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्लियर। जैसे देखिए अभी हम लोग बात करें यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का, ये कोई पुल है आपका जो बनना शुरू हुआ, ठीक है। ये देख रहे हैं, दिख रहा है ना पुल के जैसा, समझिए पुल। जो समझेगा वही दिखेगा, बट इसको क्या समझना है, पुल समझना है। अभी पुल जो बन रहा है तो हजारों लेबर इस पुल पे क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। इस ब्रिज पे क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। और काम करते करते शाम हो गया, क्लियर ना। जैसे ही काम करते करते शाम हुआ, अब यहाँ पे दो इम्पैक्ट, जैसे आज हजारों लेबर इस पुल पे काम कर रहे थे, काम करते करते शाम हो गया, लोग सब सो गए। कुछ लोग पुल पे ही सो जाते हैं, कुछ लोग घर चले जाते हैं। अब एक बात बताइए, जो हजारों लेबर इस पुल पे काम कर रहे थे, कल होके ये हजारों के हजारों लोग आएंगे या नहीं भी आएंगे, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, याद रखिएगा। जैसे जो व्यक्ति को वर्तमान के काम से प्रभाव पड़ रहा हो, जो व्यक्ति को पुल के काम से लगाव हो, वो व्यक्ति कल भी आएगा। मतलब इम्पैक्ट सस्टेंस ऑन प्रेजेंट, मतलब काम से प्रभाव पड़ता है, काम से लगाव है, तो वो कल भी आएगा। बट कुछ ऐसा व्यक्ति होगा जो उसको काम से कोई लगाव नहीं, पैसा हुआ, गया, पिया, खाया, मस्त, दो दिन काम किया, चार दिन छुट्टी, मतलब इम्पैक्ट विड्रो ऑन प्रेजेंट, बहुत बहाना बना के निकल जाएगा। तो दो तरह के लोग, नंबर समझ में आया जी, इम्पैक्ट सस्टेंस ऑन प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बट इम्पैक्ट विड्रो ऑन प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस है। बस समझ में नहीं आया तो एक बात बताते हैं। देखिए, जैसे आप हैं निर्माण में, दो महीना से क्लास कर रहे हैं, तीन महीना से क्लास कर रहे हैं, आप पूरा नोट्स मटेरियल बढ़िया से फेयर किए हुए हैं। अच्छे, कोई नया स्टूडेंट आया आपके बगल में बैठा, ठीक है, देखा आपका सारा मामला, सारा नोट्स मटेरियल फेयर किया हुआ, सारा कुछ। जैसे ही सीढ़ी पे आप उतर रहे थे, वो आपसे हाथ मिलाया, दोस्ती किया, बाहर गए, कहा कि चलिए ना समोसा खाते हैं, आप भी चले 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 गए। समोसा खा ही रहे थे कि वो रसमलाई का ऑर्डर दे दिया, रसमलाई भी खा लिए, रसमलाई खाया नहीं हुआ कि चाय का ऑर्डर दे दिया, यार थोड़ा दो चाय दीजिएगा मलाई मार के, ये सारा चीज़ हो गया, समोसा खा लिए, रसमलाई खा लिए, चाय पी लिए। और जब निकलते हैं दुकान से तो वो कहता है, ये आप अपना नोट्स मटेरियल दीजिएगा, थोड़ा जिरक्स करा के हम कल आपको दे देंगे, आप बताइए दीजिएगा या नहीं दीजिएगा। ऑटोमेटिक नेचुरली दे ही देंगे, दे दिया, दे दी। जब खाली हाथ घर पहुंचते हैं तो अपने आप पे गुस्सा आता है, यार कौन था, कहाँ का था, ना काम पता, ना नाम पता,
ध्यान से देखे भी नहीं। ध्यान कहाँ था? रसगुल्ला पे, है ना। तो ध्यान तो उधर था, समोसा पे था, रसमलाई पे था बेचारा का, कैसे देखता, चला गया। कल बोला था 11 बजे यही मंदिर पे हम आपको नोट्स मटेरियल दे देंगे, बेचैन है, परेशान है, आएगा कि नहीं आएगा, टेंशन, खड़े हैं खड़े हैं। 11 बजे नहीं आया वो बंदा, 11:30 बजे आता है, गुस्से से ला लाओ मेरा नोट्स, तुमने मेरा आधा घंटा बर्बाद कर दिया। बात समझ में आया? तुमने मेरा आधा घंटा बर्बाद किया। मतलब एक बात और याद रखिएगा, टाइम लेप्सस वर्ड आर यूज इन सिंपल पास्ट टेंस एंड टाइम लेप्सस वर्ड आर नॉट यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे देखिए, मान लेते हैं एक कहानी तो समझ में आ गया, एक पार्ट। दूसरा पार्ट, कोई ऐसा पर्सन हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आपको मिलने का इंतजार बरसों से हो, बस एक मुलाकात, एक मुलाकात जरूरी है बस। अब वो व्यक्ति, वो पर्सन आपको बोले कल हम आपसे 11 बजे मिलना चाहते हैं, बोलिए 10 बजे से पूरा सोट साट के खड़ा है, आज तो मुलाकात होगी। 11 बज गया, वो बंदा नहीं आया, मन में क्या विश्वास है, आएगा आएगा। 11:30 बज गया, वो बंदा नहीं आया। 12 बजे वो आता है और बोलता है क्या मैं लेट हो गया, क्या मैं लेट हो गया? ना ना, हम ही लेट हो गए हैं, हम ही लेट, देखिए पसीना इतना टपक रहा है, हम कहे जो शायद हम ही लेट हो गए, दौड़ते हैं इसीलिए पसीना है, मतलब जो टाइम बीत गया वो बीत गया, आप आ गए वही बड़ी बात है। मतलब टाइम लेप्सस वर्ड आर नॉट यूज, टाइम लेप्सस वर्ड आर नॉट यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड टाइम लेप्सस वर्ड आर यूज सिंपल पास्ट टेंस। कंसेप्ट क्लियर? हिंदी बताएं नहीं ना, विदाउट हिंदी समझ में आ गया? जो कोई भी वर्ड और एक्शन टाइमलेसस वर्ड का यूज होगा तो हम लोग सिंपल पास्ट में बनाएंगे, टाइमलेसस वर्ड का यूज नहीं होगा प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। ओके जी, चलिए तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे टाइमलेसस वर्ड का यूज यस्टरडे, एगो, बिफोर आर यूज्ड। अब इसका यूज हो रहा है तो हम लोग क्या कहें, सिंपल पास्ट। यहाँ पे यस्टरडे, यस्टरडे, एगो, एटीसी आर नॉट यूज, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बस समझ में आ गया? जैसे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट है, हैज हैव है, वी थ्री प्लस अदर वर्ड। सिंपल पास्ट बोले तो सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस अदर वर्ड, सिंपल पास्ट। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे ओनली प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या समझ में आया स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड। ओके जी, जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शोज दैट एन एक्शन और वर्क हैज फिनिश्ड इन द पास्ट बट इम्पैक्ट सस्टेंस ऑन प्रेजेंट टाइम, है ना। जब काम समाप्त हो गया हो और उसका प्रभाव वर्तमान पे हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। क्लियर? जैसे हिंदी देखिए कुछ एग्जांपल, मैं अभी अभी अपना काम समाप्त किया है, एक दो हम बनाते हैं, बाकी आप बना के कमेंट में लिखिएगा, क्लियर ना। तो मैंने अभी अभी अपना काम समाप्त किया है तो क्या कहेंगे, आई हैव फिनिश आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय वर्क, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय वर्क। ओके, नेक्स्ट क्या है, वे लोग मैच पहले ही जीत चुके हैं तो क्या करेंगे, दे हैव
ऑलरेडी वॉन द मैच. क्या कुछ नहीं करना होता है, बस सब्जेक्ट लिखना होगा. तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी वन पर्सन प्लेस थिंग्स और एनिमल का बात हो रहा है, तो हैज लगाएंगे. मोर देन वन पर्सन प्लेस थिंग्स और एनिमल का बात होगा तो हैव लगाएंगे. और एक बात तो क्लियर है ना, जो आफ्टर हैज या हैव वी थ्री इज यूज. ओके, चलिए बाकी आप लोग बना के हम लोग हमको कमेंट कीजिएगा. क्लियर. नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए. तो देखिए, ये एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एसएससी सीआईएसएफ में पूछा है 2010 में. जल्दी बनाइए. तो इसमें क्या लगाना चाहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को बोल रहा है द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. बताइए आंसर क्या होगा इसका, पता है बी होगा. क्यों? क्योंकि अभी जस्ट हम लोग बात किए हैं जो आफ्टर हैज हैव भी थ्री इज यूज, तो टुक नहीं होगा यहां पे, टेकन होगा. बोलिए क्वेश्चन टफ था या इजी था? इजी है ना, एसएससी सीआईएसएफ में पूछा हुआ है. इंग्लिश बहुत आसान पूछता है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई हैव साइन ओवर द चेक. बोलिए ए बी सी डी, जरा इसको पढ़िए और बताइए ए बी सी डी गलती कहाँ पे है. जिस पार्ट में गलती होगा वही आपका आंसर होने वाला है. तो बताइए ये भी क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2016 को पूछा है, है ना. चेक भी कर सकते हैं, देख रहे हैं सेकेंड फरवरी मॉर्निंग वाले शिफ्ट में, आज भी सेकेंड फरवरी है देखिए तो. बट हम लोग बन जाए कि नहीं बनता है वो देखते हैं, कौन बनाते हैं. बन गया क्या? देखिए इसका आंसर क्या होगा पता है, ए होगा. ए होगा, क्यों होगा? हैव के बाद साइन नहीं होगा, साइंड होगा, है ना. आई हैव साइन. नेक्स्ट देखिए, एवरीथिंग हैज बिकेम वेरी एक्सपेंसिव दिस डेज. अभी ना आजकल सब कुछ बहुत महंगा हो गया. बताइए तो ए बी सी डी, ए बी बी इधर है, इधर लिखा हुआ. बताइए कौन सा आंसर दीजिएगा आप लोग इस सेंटेंस में. ये बताना है, पहला में है नो एरर. बोल रहा है कि देखिए जो सेंटेंस लिखा हुआ है ठीक है, गलती नहीं है. अगर आपको भी ऐसा दिख रहा है जो नहीं ठीक है, गलती नहीं है, तो आप ए लगा सकते हैं. फिर तीसरा लिखा हुआ है यहाँ पे, बी लिखा होना चाहिए था, दो लिखा होना चाहिए. चलिए कर ही लेते हैं दो, इसको तीन कर लेते हैं. देखिए यहाँ पे बोल रहा है दो नंबर में, जो देखिए भैया वेरी एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए. क्या आप भी यही चाहते हैं, होना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छी बात, होना चाहिए. नेक्स्ट क्या है, एवरीथिंग हैज बिकेम. बोल रहे देखिए एवरीथिंग हैज बिकेम नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए. आप क्या चाहते हैं? आप भी यही चाहते हैं, कुछ और होना चाहिए, क्योंकि बिकेम भी टू है ना. और आपको पता है हैज हैव के बाद भी थ्री चाहिए. बताइए सही में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है ना, बस आपका माइंड कूल होना चाहिए, है ना, और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. पता है सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2018 में, सीजीएल मेंस से पूछा है. सीजीएल मेंस मतलब समझते हैं जी, ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, यहीं से बनता है ना. तो जरा ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है. बताइए आप भी जो है जब के बाद भी थ्री चाहिए, पगला लगा दिया भी टू, बर्दाश्त कीजिएगा नहीं ना. तब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नाउ दैट आई एम बैक एट वर्क. ये ए में है इतना चीज, उस हैव बिगनिंग टू फील मच बेटर. नो एरर. ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है. सीजीएल सबसे टफ एग्जाम होता है एसएससी का. बताइए क्या बताइएगा,
और देखिए ना क्वेश्चन कितना इजी है, एग्जाम टफ, एग्जाम हाई लेवल का बनाएगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और पूछ रहा है लॉलीपॉप, और फिर भी लोग को लगता है इंग्लिश से टफ कुछ है ही नहीं। अभी आपको लग रहा होगा इंग्लिश से आसान कुछ है ही नहीं। हाँ देखिए तो बताइए, इसका भी आंसर दो होगा। क्यों होगा? क्योंकि हैव के बाद भी फोर दे दिया। पगला क्या कर रहा है, बिगेन होना चाहिए ना जी। हाँ हाँ चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बीकम होगा, सी ओ एम ई होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैज प्रपोज टू कंडक्ट एन एलिवेटेड कॉरिडोर विच विल रन, बताइए ए बी सी डी, कहाँ पे गलती, कहाँ पे गलती। ये भी मस्त सा क्वेश्चन है, सी एच एस एल का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 का, है ना। जल्दी बताइए तो ए बी सी डी, सारा ई जे मार वी वन वी टू वी थ्री का खेला है, कुछ भी नहीं है, बताइए तो। देखिए ना जी, लगाइए बी आंसर, हैज है ना, वी थ्री चाहिए ना, प्रपोज करे भैया, प्रपोज्ड ना कर दो, डी लगाई, प्रपोज्ड हो जाएगा। ओके बताइए कितने लोगों को फाइव में फाइव क्वेश्चन सही हुआ, और नेक्स्ट आगे कंसेप्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए बोल रहा है, कॉमन एरर इन द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आखिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कॉमन एरर कैसे पूछा जाता है, क्या क्या। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कॉमन एरर कैसे पूछा जाता है। जैसे देखिए ना, बोला है जस्ट, एवरी, नेवर, ऑलरेडी, ये सब वर्ड आज के बाद दुनिया के किसी भी सेंटेंस में आपको दिख जाए, क्या क्या। जी हाँ, क्या दिख जाए, जस्ट दिख जाए, भी थ्री आना चाहिए, एवर दिख जाए, भी थ्री आना चाहिए, नेवर दिख जाए, भी थ्री आना चाहिए, ऑलरेडी दिख जाए, भी थ्री आना चाहिए, क्या क्या। यस याद रहे, जस्ट, एवर, नेवर, ऑलरेडी, ऑलवेज टेकन फ्रॉम, चलिए नोट कीजिएगा जरा इसको, जो ऑलवेज 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 क्या लेगा, ये वी थ्री लेगा, कौन, एवरी, ऑलवेज 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 क्या लेगा, वी थ्री लेगा, कौन, जस्ट, एवर, नेवर, ऑलरेडी। ओके, और एक बात और याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, एट इज यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लास्ट ऑफ द सेंटेंस। हाँ, एट का यूज केवल 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 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, वो भी सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है, क्या क्या। जी, एट का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, वो भी सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं सिंस और फोर का यूज। सिंस और फोर का यूज हम लोग कहां करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या क्या। जी, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बचपन से हम लोग दो ही टेंस पढ़े थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बट आज हम क्या बताएं आपको, सिंस और फोर का यूज चार टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, याद रहेगा। ऐसा क्योंकि ये पता है, जैसे देखिए जो भी वर्क होता है, जो भी एक्शन होता है, हम लोग जो भी काम करते हैं, कोई भी क्रिया, क्रिया ना, एक्शन ना, कुछ इंटरनल भी होता है। जैसे मैं आपको जानता हूँ, ये इंटरनल है, कुछ नहीं है प्रूफ जो हम आपको जानते हैं, बस दिल में है, हमें पता है, इंटरनल नहीं। आपने मेरी आवाज़ सुनी, ये इंटरनल फीलिंग है। आप कहिएगा नहीं सुने, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपके कान में से खींच के नहीं दिखाएंगे, देखो यहाँ पे आवाज़ रुका हुआ है, नहीं होगा। तो जो भी इंटरनल फीलिंग होता है, इंटरनल एक्शन होता है, उसमें आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है। जैसे हम आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि किसी और के बारे में सोच रहे हैं, बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं किया जा सके, उस वैसा
वैसा एक्शन जिसे एक्सप्लेन न किया जा सके वो इंटरनल कहलाता है। पीटना एक्सटर्नल है, दौड़ना एक्सटर्नल है, पढ़ना एक्सटर्नल है, सोचना इंटरनल है। तो थिंक का थिंकिंग नहीं होगा, नो का नोइंग नहीं होगा, और जब नो का नोइंग नहीं होगा तो हम अगर बात करें, मैं आपको 10 दिनों से जानता हूँ, मैं आपको 10 दिनों से जानता हूँ, मतलब है मैं आपको 2 दिन पहले भी जान चुका हूँ, 8 दिन पहले भी जान चुका हूँ और अभी भी जान रहा हूँ। मतलब वर्ड कनेक्शन फिनिश भी हो चुका है और कंटिन्यू भी है, और जो भी वर्ड कनेक्शन फिनिश एंड कंटिन्यू तो वो कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बट उसको हम लोग बनाएंगे कहाँ पता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। यस, यही चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या किए, सिंस और फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर सकते हैं। मतलब वैसा हिंदी का वाक्य जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, और अगर उसको इंग्लिश बनाना हो तो, और उस एक्शन का आईएनजी नहीं लगने वाला हो, तो क्या करेंगे हम लोग पता है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हैं, सेंस क्लियर हो जाएगा। ओके जी, चलिए, वही हाल पास्ट में भी होगा। ओके ओके, क्लियर कंसेप्ट। चलिए, ये बात अगर समझ में आ गया तो एक बात और बताइएगा सिंस और फोर के बारे में। सिंस का यूज कहाँ करते हैं, फोर का यूज कहाँ करते हैं, तो इसके लिए ब्लैक बोर्ड लाते हैं, वहाँ पे समझते हैं। देखिए, ये मान लेते हैं ये वर्क एक्शन स्टार्ट हुआ, कितना बजे, 11 बजे। आप लोग को पता है ना सो ज़्यादातर कितना बजे चलता है अपने इधर, 11 बजे। 11 बजे शो स्टार्ट हुआ, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, चला कितना बजे तक, 2 बजे तक। 11 बजे स्टार्ट हुआ और 2 बजे तक चला। एक बात बताइए, कोई भी वर्क और एक्शन स्टार्ट होना पॉइंट ऑफ टाइम है ना, कोई भी वर्क और एक्शन फिनिश होना पॉइंट ऑफ टाइम है ना। जैसे आप लोग क्लास करते हैं, 10 बजे क्लास स्टार्ट होना पॉइंट ऑफ टाइम, 11 बजे क्लास समाप्त होना पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो याद रखिएगा, ये हो गया अपना पॉइंट ऑफ टाइम जी। पॉइंट ऑफ टाइम, और ये जो यहां से 11 बजे से 2 बजे तक ये जो झेला, तो ये 3 घंटा हुआ पीरियड। ये 3 घंटा क्या हुआ, पीरियड हुआ। क्लियर, तो 3 घंटा हुआ पीरियड, यानी पीरियड ऑफ टाइम। ओके जी, देखिए, अगर बात करें पॉइंट ऑफ टाइम का, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं सिंस का, और यदि बात करें पीरियड ऑफ टाइम का, ड्यूरेशन का बात करेंगे, तो वहां पे यूज करते हैं फोर का। क्लियर कंसेप्ट, निश्चित समय का बात हो, पॉइंट ऑफ टाइम का बात हो तो सिंस लगाइएगा, ड्यूरेशन का बात हो, पीरियड का बात हो तो फोर लगाइएगा। जैसे मैं 2010 से पढ़ रहा हूँ, तो ये पॉइंट हुआ, ये निश्चित समय हुआ, तो इसमें हम लोग सिंस 2010 लगाएंगे। लेकिन मैं 4 घंटा से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे फोर आवर्स होगा। क्लियर ना जी, तो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर। जैसे देखिए ना, सिंस को समझने के लिए आप लोग याद रखिएगा ओ क्लॉक। ओ क्लॉक बोले तो 4 o'clock, 5 o'clock, 3 o'clock, 2 o'clock। ओ क्लॉक का बात होगा तो सिंस लगाइएगा। नेक्स्ट है एएम। एएम मॉर्निंग में यूज कर देना, 6 AM, 7 AM, 8 AM, ये AM PM वाला बात होगा ना, तो ये भी सिंस लेगा। बात हो मॉर्निंग का, तो सिंस मॉर्निंग, सुबह से खेल रहे हैं, सिंस इवनिंग, शाम से खेल रहे हैं, तो मॉर्निंग का बात हो, इवनिंग का बात हो, नाइट का बात हो, मिडनाइट का बात हो, सनराइज का बात हो, सनसेट का बात हो, बर्थ यानी किसी की मैरी का बात हो, जन्म लिया तभी से ऐसा है, तो उस सब के लिए सिंस का यूज करते हैं। मैरी का बात हो, जब से शादी किया तब से पगला पगला गया है, मैरी का बात हो, ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगाएंगे। नेम ऑफ डेज हो, है ना, नेम ऑफ डेज हो, डेज अगर नेम ऑफ डेज हो, चाहे मंडे हो, ट्यूजडे हो, वेनसडे हो, फ्राइडे हो, ये सब कोई भी हो,
तो सिंस लगाएंगे, याद रहेगा नेम ऑफ मंथ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, कोई भी मंथ का नाम हो सिंस लगाइएगा, याद रहेगा। नेक्स्ट नेम ऑफ ईयर, कोई भी ईयर का नाम हो 2020, 2021, 2022 कोई भी हो ईयर का नाम हो तो हम लोग सिंस लगाएंगे। नेम ऑफ फेस्टिवल, किसी फेस्टिवल का नाम हो, होली दिवाली छठ कुछ भी हो सिंस लगाएंगे। ओके नेक्स्ट नेम ऑफ सीजन, विंटर हो समर हो कोई भी सीजन हो सेंस लगाएंगे, याद रहेगा। क्या याद रहेगा? एएम के लिए सेंस, पीएम के लिए सेंस, मॉर्निंग के लिए सेंस, ओ क्लॉक के लिए सेंस, इवनिंग के लिए सेंस, नाइट सेंस, मिडनाइट सेंस, मैरी सेंस, बर्थ सेंस, नेम ऑफ डे सेंस, नेम ऑफ मंथ सेंस, नेम ऑफ ईयर सेंस, नेम ऑफ सीजन सेंस, नेम ऑफ फेस्टिवल सेंस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ओके चलिए फोर के बारे में बात करते हैं। फोर के बारे में बोल रहा है न्यूमरल वर्ड। न्यूमरल वर्ड किसे कहते हैं पता है? गिनती की संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, कुछ भी गिनती की संख्या। और जो गिनती की संख्या होगा उसमें क्या यूज करते हैं? फोर का यूज करते हैं। जैसे देखिए ना, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 9 सेकेंड ये सब का बात होगा फोर लगेगा। 2 आवर, 3 आवर, 10 आवर, 9 आवर फोर लगेगा। 2 डेज, 3 डेज, 7 डेज, 8 डेज फोर लगेगा। 2 मंथ, 3 मंथ, 7 मंथ और 8 मंथ फोर लगेगा। 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 9 ईयर सब में क्या लगेगा? फोर लगेगा। कंसेप्ट क्लियर? न्यूमरल वर्ड वाले में फोर ऐसा सेंस। ओके जी चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है मैं तुम्हें 10 वर्षों से जान रहा हूँ, मैं तुम्हें 10 वर्षों से जान रहा हूँ, बनाइए। यहाँ पे करेंगे हम लोग आई हैव, अब नॉन यू, अब बोले 10 वर्षों है, अब आप ही बताइए फोर लगाए या सिंस लगाए, सिंस 10 ईयर्स या फोर 10 ईयर्स? यस फोर 10 ईयर, क्योंकि क्या है ना 10 वर्षों, 10 घंटा, 10 मिनट अभी बतवाए थे ना। हाँ कितना आसान है क्या? आई हैव नॉन यू फॉर 10 ईयर्स। अब देखिए यहां पे क्या है ना, जान रहा हूं, अब कहां बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस बी फोर, पगला पगला देगा ना जी। हाँ तो ऐसे नहीं, हम लोग जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और उसमें अगर वर्ब और एक्शन इंटरनल वाला हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं पता है? प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। ओके जी नेक्स्ट, मैं उसे 2 वर्षों से देख रहा हूँ, मैं उसे 2 वर्षों से देख रहा हूँ, फिर 2 वर्ष है, यहाँ भी क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? फोर लगाएंगे। इसको भी बना के आप लोग पोस्ट कीजिएगा कमेंट में। मैं उसे 2003 से जानता हूँ, अब 2003 है नाम, ईयर का नाम है, अब नाम है तो यहाँ पे सिंस लगेगा, बना के भेजना है। जब से वह दिल्ली छोड़ा है नहीं देखे हैं, जब से है ना। दूसरा है उसका भाई 5 दिनों से बीमार है, अब 5 दिनों से बीमार है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 5 दिन का बात हो रहा है, कोई दिन का नाम नहीं है तो फोर लगाएंगे। क्लियर ना? तो इसमें इस सब को बना के आप जरा पोस्ट कीजिए। और यहाँ पे देखिए कुछ कंसेप्ट याद रखिएगा, बोल रहा है दिस टाइम इज यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड दैट टाइम इज यूज इन सिंपल पास्ट टेंस। दिस टाइम का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं जबकि दैट टाइम का यूज सिंपल पास्ट में करते हैं। ओके जी देखिए एग्जाम्पल, आई हैव अंडरस्टूड टेंस दिस टाइम, अब की बार मुझे टेंस समझ में
आ गया, है ना? I have understood tense this time. Okay? चलिए next concept देखिए. बोल रहा है first time, second time, third time are used in present perfect tense. जब भी बात हो first time का, second time का, third time का बात हो, है ना, कितना भी time का बात हो, वैसे वाले बात को हम लोग कहाँ पे बोलते हैं, कहाँ पे लिखते हैं? Present perfect tense में. जैसे देखिए ना एग्जाम्पल, आई हैव सीन यू हेयर फर्स्ट टाइम. अरे यार, मैं तो आपको यहाँ पहली बार देखा हूँ, फर्स्ट टाइम. तो क्या किए, कहाँ बनाए? प्रेजेंट परफेक्ट में. आई हैव सीन यू फर्स्ट टाइम, आई हैव सीन यू फर्स्ट टाइम हेयर, या आई हैव सीन यू हेयर फर्स्ट टाइम. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए क्या है. फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम होता है आवृत्ति वाला, है ना, आवृत्ति को ऐसे करके 106.4 FM, ये सब चीज़. जैसे बोले है ना, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, 100 टाइम्स, ये सब चीज़ का भी यूज हम लोग कहाँ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं. कहाँ? जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. जैसे देखिए ना, आई हैव डन इट 5 times. अरे यार, मैं तो इसे 5 बार कर चुका हूँ. आई हैव डन इट 5 times. नेक्स्ट कंसेप्ट, ये लास्ट कंसेप्ट है आप लोग का प्रेजेंट परफेक्ट का, समाप्त करना था ना आज, इसलिए बोल रहा है लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे. क्या क्या? जी हाँ, लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं होता. इन शब्दों का प्रयोग सिंपल पास्ट में होता है. यस, तो कभी भी किसी भी सेंटेंस में लास्ट लगा हो, पास्ट लगा हो, एगो लगा हो, बिफोर लगा हो, ऐसा कुछ भी लगा हो, तो हम लोग क्या करेंगे पता है? सिंपल पास्ट में उसका यूज करेंगे. जैसे देखिए ना, आई हैज कम अ मोमेंट एगो, है ना, आई हैव कम अ मोमेंट एगो. दूसरा है, देखिए ना, ही हैज कम अ मोमेंट एगो. और दूसरा है, ही केम अ मोमेंट एगो. अब देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एगो लगा हुआ है. और एगो, लास्ट, बिफोर, ये सब का यूज हम लोग करते हैं सिंपल पास्ट में. और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस अदर वर्ड. अब बताइए, ये सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस अदर वर्ड है? नहीं है, नहीं है तो गलत होगा. दूसरा है, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस अदर वर्ड, सही है. उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अब आप लोग को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकता, बट थोड़ा का काम है आप लोग का, ये 2-3 जो सेंटेंस, इसको बना के पोस्ट कीजिए. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.